अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद परवेज़ फिर से एक बार आपके सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। आज के डेट में मैंने कोरोना का आंकड़ा लिया, आप तो हर दिन न्यूज़ में देख रहे हैं, जिसके अंदर 48 लाख प्लस लोग पूरे दुनिया में कोरोना पॉजिटिव है आज के पीरियड में, और हमारे भारत में 96,000 प्लस। और उसमें से ख़ास बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र में 33,000 प्लस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो हो चुके हैं, जिसमें से पूरे हिंदुस्तान में 3,029 लोगों की डेथ हुई है कोरोना के चलते। महाराष्ट्र में 1,198 लोगों की डेथ हुई है। ये आंकड़े कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें हमें हमारे गवर्नमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतनी बड़ी लोक संख्या में आज के पीरियड में हिंदुस्तान में 139 करोड़ प्लस पॉपुलेशन, जिसके चलते 1% भी आज तक हमारा हुआ नहीं, 2 महीने लॉकडाउन। बहुत कोशिश की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। अब हमारी बैड लग है कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर है इन कोरोना पॉजिटिव में, तो उसकी ख़ास बात है कि पूरे दुनिया देश के लोग महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में काम के लिए आते हैं उस वजह से, और बाहर से पूरा मुंबई ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, विदेशों से लोग आने जाने की वजह से वो हो गया है। तो उसमें घबराने की बात कोई भी नहीं है। खाली देखिए, आप सोचिए कि 22 मार्च के दिन 45 खाली पॉजिटिव थे पूरे इंडिया में, और आज कितने हैं, 17 मई के रिपोर्ट के हिसाब से 96,000। ये आंकड़ा भी कितना बड़ा है, लेकिन हमारे लोक संख्या के हिसाब से गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत कंट्रोल किया है। मैं अभी एक डेथ और बर्थ रेशो देख रहा था जस्ट का, तो आज के दिन कुछ 69,725 बच्चे 9:34 तक आज के दिन दुनिया में आए, और आज ही के दिन 25,300 लोग जो अलग अलग बीमारी से, कोरोना से नहीं, अलग अलग बीमारी से उनका इंतकाल हुआ, उनका डेथ हुआ। अगर हम हिंदुस्तान का डेथ रेशो देखें 1950 में और 1960 के बीच, 1,000 आदमी के पीछे तकरीबन 28 लोगों का डेथ होता था, लेकिन आज के पीरियड में 1,000 लोगों के पीछे 7.3 लोगों का पर ईयर डेथ होता है। अब उसके हिसाब से हम बहुत बहुत ही अच्छा, इस भयानक महामारी के चलते हम बहुत सेफ हैं। आज मैं आपको सबसे पहली बात, मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो महाराष्ट्र के विधान परिषद में बिन विरोध उनकी आमदार के लिए निवड हुई है, और दूसरा उनका काम काफ़ी काबिल तारीफ़ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बेस्ट सीएम जो हमें मिले हैं, और उन्होंने हमारे से वादा भी किया है। और आज उनका मैंने 8:30 बजे का स्पीच भी सुना कि उन्होंने कहा है कि आप बेफिक्र रहिए, वो 100% हमें ये मुसीबत से निकालेंगे और हमारे महाराष्ट्र को कमज़ोर नहीं होने देंगे। नए बिजनेस वालों के लिए उन्होंने जगह मुहिम कराई है, आप उन्होंने पूरी तरह बेफिक्र होने के लिए कहा, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि हमें इस कोरोना वायरस से सेफ्टी भी ज़रूरी है, आपको जहाँ जाना ज़रूरी है वहीं जाइए, फिजूल का मत जाइए। हम बाज़ार में देख रहे जो भीड़ वगैरह, प्लीज़ किसी को मौका मत दीजिए बोलने के लिए। और दूसरा सबसे मेन मुद्दा मेरा आज इस वीडियो बनाने का है कि मैं आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे प्रवासी मज़दूर जो उस तोड़ के लिए गए, जो कंपनी में काम के लिए गए, जो दूसरों से राज्य से इधर से आए वाले हैं, आपको इंसानियत का वास्ता है कि आप उनकी हर तरह से मदद करें। मदद आप उन्हें पानी पिला के करें या छांव में बिठा के करें, जो भी पॉसिबल हो आप उनकी मदद करें। देखिए, ये दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है और आपको नेकी कमाने का सबसे बड़ा मौका, आपके सर्वांना आयुष्यामध्ये सर्वात मोठा पुण्य कमवण्याची ही वेळ आलेली आहे। तर आपण सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपण या वेळेचा संधीचा लाभ घ्यावा। जितने भी हमारे गरीब मजदूर जो भी यहाँ से वहाँ प्रवासी कर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। और मैं ख़ासतौर से हमारे इस्लामी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल ईद की खरीदी टालिए,
और उन बचे हुए पैसों से इन मज़दूरों की मदद कीजिए, अपने पड़ोसियों की मदद कीजिए। काफ़ी लंबे समय तक हमें इस जंग से लड़ना है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी हो, आप सेहतमंद हो, अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर में सफाई रखें, अपने आसपास पड़ोसियों का ध्यान रखें, अपने गांव वालों का ध्यान रखें, क्योंकि ये नया भारत है, बदल रहा है देश, हम सब साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।